खबर आ रही जनपद वाराणसी से, जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रकरण में मिली अगली तारीख। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने और तारीख मांगी थी, जिसमें वक्फ क्रिमिनल हाई कोर्ट लखनऊ में केस ट्रांसफर किया जाए। वाराणसी जिला जज ने इसको एडमिट किया। अगली तारीख 12/11/2020 को तय किया गया, जिस पर आगे विचार किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि 12 नवंबर को जिला जज द्वारा क्या सुनवाई की जाती है। इस आदेश पर बनारस सहित पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। अब देखना यह है कि इस अगली सुनवाई लखनऊ होती है या बनारस के सिविल न्यायालय में होगी। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। सर सामने देखिएगा सर रोल गुरुजी, क्या आज फैसला हुआ और क्या पूरा डिटेल जरा बताइए। आज जनपद न्यायाधीश वाराणसी के यहाँ उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के द्वारा जो सिविल रिवीजन दाखिल किया गया था लोअर कोर्ट के आदेश के विरुद्ध, उसमें संधारयता के बिंदु पर आपत्ति मंदिर पक्ष के तरफ से उठाया गया था। जनपद न्यायाधीश महोदय ने यह सिविल रिवीजन को सुनवाई के लिए संधार्य माना है और अग्रिम तिथि फर्दर आदेश के लिए 12/11/2020 का तिथि नियत किया है। नहीं, जो वक्फ बोर्ड का जो ये कहना था कि इसकी जो सुनवाई है लखनऊ ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड में होना चाहिए, अभी उस पर सुनवाई बाकी है, उस पर ही मेरिट पर दोनों पक्षों की सुनवाई होगी। तो आज का जो, अगर आसान भाषा में बात करें तो आज का जो उनका जो एडमिशन का जो था, क्या वो मान लिया गया? केवल सुनवाई के लिए एडमिट हुआ है मामले पे। अभी मामले की मेरिट पर गुण दोष पर सुनवाई कि वह सिविल न्यायालय में मूलवाद की सुनवाई होगी या वक्फ ट्रिब्यूनल में होगी, इस पर दोनों पक्षों की बाद में बहस होगी। आज वकील साहब, किस तरीके का मामला था, क्या आया निर्णय? आज लोअर कोर्ट में हमारा ये एप्लीकेशन था कि मौजूदा प्रकरण मस्जिद से संबंधित है और एक वक्फ एक्ट के मुताबिक जो है ये प्रकरण वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ को सुनवाई का अधिकार है। सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन सेक्शन 85 वक्फ एक्ट से बाहर है, जो कि लोअर कोर्ट ने 25 फरवरी 2020 को हमारी दरखास्त को खारिज कर दिया। उसी आदेश के विरुद्ध सेक्शन 115 CPC के अंतर्गत ये सिविल रिवीजन जिला जज महोदय के कोर्ट में दाखिल किया गया। रिवीजन दाखिल करने में थोड़ा विलंब हो गया था, उसके लिए लिमिटेशन एक्ट के दफ़ा 5 के साथ रिवीजन फाइल किया गया। पहले ही मेरा दफ़ा 5 लिमिटेशन एक्ट की प्रार्थना पत्र हर्जे के साथ स्वीकार हो चुकी थी। उसके बाद रिवीजन के एडमिशन पर, यानी इस रिवीजन को सुनवाई के लिए ग्रहण किया जाए कि ना किया जाए, 2-3 रोज पहले बहस हुई थी और आज तारीख ऑर्डर के लिए निर्धारित थी। माननीय जिला जज महोदय ने आज हमारे सिविल रिवीजन को सुनवाई के लिए ग्रहण करते हुए मेरिट पर सुनवाई के लिए 12/11/2020 तारीख निर्धारित किया है।